दोस्तों अभी मैं हूँ गढ़ा शाही नाका में और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे दादा दरबार में देवी जी विराजित होती हैं, वो बन के पूरी कंप्लीट हो गई हैं और अब जो देवी जी ने स्वरूप लिया है इस बार साल 2024 का वो बहुत ही विकराल है। तो आप पहले यहाँ के सिनेमैटिक व्यू देखिए। दर्शन करें आप देवी जी के इस साल नवरात्रि 2024 में जो देवी जी का स्वरूप रहने वाला है वो ऐसा होने वाला है। आपको मैं जो है शिव जी के दर्शन कराता हूँ, तो ये देखें, ये शिव जी हैं और आप देखें इनका ये कितना सही बना हुआ है, ये थप्पड़, ये यहाँ से देखें आप। आपने सिनेमैटिक शॉट्स में इनको देखा होगा और अभी जो है ये देखिए, ये चहली वगैरह लगी हुई है, प्रॉपर जो है देवी जी दिख नहीं रही हैं, बट आपको इनका जो है फेस यहाँ से डिटेलिंग समझ में आ जाएगी। और अभी ये भैया बता रहे हैं गीला है, तो जब थोड़ा सा सूख जाएगा, हल्के से जब रफनेस आ जाएगी, उसके बाद ये जो फेस बनाया है इस बार का एकदम अलग बनाए हुए। यहाँ पर देखें आप देवी जी को जो है मुंडमाला पहनाई गई है और ये कुछ अभी जो है जेवर वगैरह पहना दिए गए हैं हाथों में, देख सकते हैं। और देवी जी उस हाथ में जो है तलवार पकड़ेंगी। ये जो आपको शेड लगा दिख रहा होगा ये थोड़ा सा भी ऊंचा हो जाएगा, तो ये मैं आपको इनके पास से दर्शन करा रहा हूँ। आप देखिए इस बार नवरात्रि 2024 में ये स्वरूप रहने वाला है देवी जी का, जो कि हर साल बहुत ही विकराल रहता है। और हमारे गढ़ा क्षेत्र में इकलौती ये ऐसी मूर्ति रखी जाती है जिन महाकाली जी का इतना विकराल स्वरूप रहता है। आप ये देखें इनका फेस, जो माता जी के चेहरे में तेज होता है, जो मतलब असली कलाकारी होती है वो ये होती है भाई। ये देखिए आप, तो ये थी इस बार की हमारी वीडियो दादा दरबार वाली महाकाली जी के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद आप कहाँ की मूर्ति देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। साथ ही साथ ये था वीडियो का एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माई की।